गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th के अंदर हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक अध्ययन में निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। हमने परिचय के माध्यम से जानने का प्रयास किया था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, आर्थिक विकास के अंदर व्यावसायिक उपक्रमों का विशेष रोल होता है और कई प्रकार के व्यावसायिक उपक्रम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमने जानने का प्रयास किया था निजी उपक्रमों के बारे में, जिसे हमने लास्ट अपने अध्याय में अध्ययन किया। निजी क्षेत्र के जो हमारे उपक्रम होते हैं, जिसके अंदर हमने एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति और कंपनियों के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेसन के माध्यम से कुछ एक नए स्वरूप, जिसको हम सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, उसके बारे में तथा भूमंडलीय उपक्रमों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर समय समय पर जो परिवर्तन हुए, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो यहाँ पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ने ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। निजी क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि आपको कि इसके स्वामी सरकार होती है और सरकार ही इसका क्या करती है, प्रबंध करती है। इसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे इन सार्वजनिक क्षेत्रों को काफ़ी महत्व दिया जाने लगा और इसके कई स्वरूप हमारे सामने देखने के लिए मिले। आज हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संगठनों के स्वरूप के बारे में ही अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के व्यावसायिक और आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भागीदारी के लिए संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठन का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यावसायिक संगठनों का स्वरूपों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में ये प्रश्न उठता है कि इसके संगठन की संरचना और स्वरूप कैसा हो। सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन सरकार जनता के माध्यम से या अपने कार्यालय के माध्यम से या अपने कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करती है। वे ही सरकार की ओर से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, और इस उद्देश्य से सरकार ने देश के आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की है। आज विश्व में इस उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा के दौर में मुझे ये अपेक्षा की जाती है कि देश के आर्थिक विकास के अंदर विशेष योगदान दें। इन सार्वजनिक उपक्रमों की स्वामी कौन होती है? जनता। क्यों? क्योंकि जनता के माध्यम से संसद के अंदर हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और ये संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व और इनकी क्रियाओं के लिए जनता के कोष का प्रयोग किया जाता है और जनता के प्रति जवाबदेही इसकी विशेषता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं वह किसी भी संगठन के स्वरूप को अपना सकते हैं, लेकिन इनके कार्यों की प्रकृति और सरकार से उनके संबंध पर यह निर्भर करती है। संगठन का कौन सा स्वरूप उत्पन्न रहेगा, ये उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसके साथ ही सामान्य सिद्धांत ये कहते हैं कि किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को संगठनात्मक कार्य निष्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए। अध्ययन की दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमों के संगठनों को तीन स्वरूपों में बांटा गया है। आज हम पहला स्वरूप डिस्कस करने जा रहे हैं, इसे बोलते हैं हम विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम क्या है? विभागीय उपक्रम है जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना और परंपरागत स्वरूप है। इस उपक्रम की स्थापना जो होती है किसी मंत्रणालय, संसद के किसी मंत्रणालय एक विभाग के रूप में होती है और यह मंत्रणालय का एक भाग होता है या उसका विस्तृत रूप माना गया है। सरकार जो होती है वे अपने सभी कार्य विभागों के माध्यम से करती है। सरकार की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनका गठन स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में नहीं किया जा सकता तथा इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व भी नहीं होता है। ये सरकार के अधिकारियों के माध्यम से कार्य करते हैं तथा इसके जो कर्मचारी जो इसमें कार्य करते हैं वे सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। यह उपक्रम केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। इनमें केंद्रीय राज्य सरकार के संबंधित जो नियम होते हैं वो लागू होते हैं। इन उपक्रमों के उदाहरण हैं, जैसे हमारा रेलवे डिपार्टमेंट जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है,
साथ ही डाक एवं तार विभाग जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है कि जो हमारे ये विभागीय उपक्रम होते हैं, इनकी जो धन होता है यानी इनके पैसों की जो आवश्यकता होती है वह सीधी सरकारी खजाने से आती है और सरकारी बजट के अंदर इसका नियोजन किया जाता है, और इससे जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वे आय के रूप में सरकारी खजाने में राजस्व के रूप में ही जमा कराया जाती है। दूसरी विशेषता होती है कि सार्वजनिक क्रियाओं में समान इन पर भी लेखांकन और अंकेक्षण के नियंत्रण लागू होते हैं। तीसरा, इसके कर्मचारी जो होते हैं, जो कार्य करते हैं, वे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी यानी सरकारी कर्मचारी कहने जाते हैं, तथा इनकी भर्ती और सेवा शर्तें वही होती है जो सरकार के सीधे तौर पर अधीन कर्मचारियों की होती है। इनके जो मुखिया होता है वो IAS अधिकारी होता है, नागरिक सेवाओं में से होता है। इनका स्थानांतरण एक डिपार्टमेंट से यानी एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में किया जा सकता है। ये सार्वजनिक विभाग के प्रमुख उपमंडल माना जाता है और सीधे मंत्रालय के नियंत्रण में भी रहता है। ये मंत्रालय के प्रति जवाबदेह भी होते हैं क्योंकि इनका प्रबंधन सीधे संबंधित मंत्रालय से किया जाता है। अब जो हमारे विभागीय उपक्रम होते हैं इनके क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान है हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि संसद के लिए इनका प्रभावी नियंत्रण सुगम होता है। क्यों? क्योंकि ये इस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। दूसरा है, इसमें उच्च स्तर की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको संसद के प्रति जवाबदेही होना पड़ता है। इस उपक्रम में अर्जित आगम सीधे सरकारी खजाने में चले जाते हैं, अतः सरकार की आय का ही क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत भी होते हैं। और आखिरी जो फायदा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सबसे अधिक उपयुक्त स्वरूप है क्योंकि यह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण और निरीक्षण में रहता है। अब आती है इसकी सीमाएं। विभागीय उपक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण सीमा है वो ये है कि कहते हैं कि बिजनेस के अंदर सुगमता से चलाने के लिए उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। जबकि ये संगठन है इनमें लचीलेपन की क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि इसके सभी निर्णय सरकारी मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं जो कि नियमों से बंधे होते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है, कर्मचारी विभागीय आदर्श बिना किसी संबंधित मंत्रालय के अनुमोदन के किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। यही कारण होता है कि जो भी डिसीजंस होते हैं उनको लेने में देरी हो जाती है, और कहते हैं व्यवसाय में देरी हानि का कारण भी बन सकती है। तीसरी समस्या होती है कि ये उपक्रम व्यावसायिक अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमति प्राप्त करने में अत्यधिक सरलता बरतते हैं और रूढ़िवादिता के कारण से ये उपक्रम कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करते हैं। अगली जो सीमा होती है वो है दिन प्रतिदिन के कार्यों पर अत्यधिक शितवतखोरी, लाल फीताशाही होती है, तथा उचित क्रिया को पूरा करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। अगला है मंत्रालय के माध्यम से, क्योंकि ये संसद के एक मंत्रालय के विभाग के रूप में कार्य करता है तो इसके अंदर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका हस्तक्षेप पूरी तरह पाया जाता है, तो इससे राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी इसके अंदर तकलीफ होती है। अगला है कि ये संगठन उपभोक्ता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते, तथा इनके द्वारा प्रदत्त सेवाएँ भी क्या होती है, अपर्याप्त होती है। तो आज हमने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उसका पहला स्वरूप पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं विभागीय उपक्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उसका दूसरा स्वरूप पढ़ाएंगे जिसे हम कहते हैं वैधानिक स्वरूप, वैधानिक निगम, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं।